क्या क्या कह रहा बेटे गाना? अरे कुर्ता है नीला, रंग पगड़ी का पीला, गुलाबी हाय अखा मस्तानिया, अखा मस्तानिया हाय शर्माऊ, अरे हाय शर्माऊ, अरे हाय शर्माऊ, किस किस को बुलाऊ, कैसे कैसे मैं बताऊ तुमको, ये अपनी प्रेम कहानिया, अपनी प्रेम कहानिया, अरे हाय शर्माऊ, किस किस को बुलाऊ, कैसे कैसे मैं बुलाऊ तुमको, ये अपनी प्रेम कहानिया, ये अपनी प्रेम कहानिया, अपने प्रेम कहानिया, अपने प्रेम कहानिया, अपने प्रेम काहे करते हो परेशानियां, क्यों बढ़ाते परेशानियां, अरे हाय शर्माऊ, किस किस को बुलाऊ, कैसे कैसे मैं सुनाऊ तुम्हें, शर्माएगा तो वो लड़का बगुआ दिखाने में ये निशानियां, अभी आएगा लड़का, लेकिन बात को दबाइएगा नहीं ना, भाइयों को दिखाइएगा जरूर। आजकल कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चल रहा है, जिस 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 कलर की जैकेट होगी उसी कलर की पर्स होगी, ये तो ठीक है, बहुए दो तरह कटवाए लेकिन लेकिन एक विशेषता और है, क्या बेटे, जिस कलर की जैकेट है उस कलर की पर्स है और उसी कलर का 500 का नोट अंदर पड़ा है, जो कि है तुम्हारा, सुनिएगा, राम की सुनाओ घन श्याम की सुनाओ, राम की सुनाओ घन श्याम की सुनाओ, बड़े काम की सुनाओ तुमको, बड़ी पावन कहानिया, बड़ी पावन कहानिया, पावन कहानिया, बड़े पावन कहानिया, बड़े पावन कहानिया, बड़े पावन कहानिया, पप्पू छाया जी आत्र से क्यामन में आए, कभी कभी हम पर भी छाया आ जाती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते किसकी आती है। रोशनी में एक बारह कला के, मैं प्रभु राम प्रभु श्याम श्याम की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे बेटा, एक बारह कला के, एक सोलह कला के, एक बारह कला
कला के, क्या बात है, एक सोला कला के मिलती, अरे मिलती ऐसी कुछ निशानिया। राम की सुनाओ, घनश्याम की सुनाओ, बड़े काम की सुनाओ तुमको, बड़ी पावन कहानिया, बड़ी पावन कहानिया, को हमारा गीत समझ में आ रहा ना आ रहा। अरे तो बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और क्या, हम नहीं चाहते कि आप लोग चली जाएं, हमारा घाटा भी हो जाए, हम लोग के चक्कर में कोई, शायद आपका मन हो जाए 10-20-50 हमको दे दो, भला हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोग अगर चले जाओगे तो फिर क्या भला होगा, तो आप लोग गाना सुनो अच्छा हमारे गाने, और यही हम दोनों कलाकारों का प्रयास रहता है कि आप लोग आनंद लें, सही, आप लोग, बाकी हम लोग तो मिलते रहते, बहुत लड़ते हैं, बस सही, बड़े कार्यक्रम बिकट बिकट होते, केवल हम लोग के गाने मुसद्दी लाल चले गए, सुनेगा। ए राम यदि दिन में है आते, यदि राम दिन में आते, सुने, राम यदि दिन में है आते, श्याम वही रात में जाते, एक रह जाते निज स्थान, एक रह जाते निज स्थान, श्याम निज घर से भाग जाते, क्या बात है, वाह बिल्कुल, गाना इसे होना, एक रह जाते निज स्थान, एक निज घर से भाग जाते, अरे जाते एक सूर वंश में, ओ, एक चंद्र वंश में, ओ, एक सूर्य वंश में, अरे एक चंद्र वंश में, अरे करते मिले मेहरबानिया, क्या बात है, प्रभु राम जन्मे महीने भर का दिन हो गया, मास दिवस, मास मास दिवस, भैया देख लो लड़का आ गया, वो एक महीने का दिन हो गया, सूर जाने का नाम नहीं ले रहा, चंद्रमा दुखी, प्रभु सूर के कुल को तो उजागर कर दिया, मेरे कुल को कब उजागर करोगे, प्रभु राम अपने ही अंश में कन्हैया बन के चंद्रवंश में आ गए, वाह, एक सूर वंश में, एक चंद्र वंश में, अरे करते मिले मेहरबानिया, अरे राम की सुनाओ, बड़े काम की सुनाओ, कने साहब की सुनाओ तुम्हें, बड़ी पावन कहानिया, बड़ी पावन सोच रहे थे, बड़ा टाइम हो गया, उठ के बैठो, साहू जी अभी नहीं आए, उठ के बैठो भैया, बहुत अच्छे व्यक्ति हमारे साहू भैया, राजेश साहू जी, इनका स्टूडियो भी है और इनका साउंड सब भी तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया आप ऑपरेटर हैं, आप तरफ से हम बच्चों को हमेशा आशीर्वाद मिलता है, आप हमारे ही परिवार से हैं, ग्रुप से जुड़े हैं, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच, आर्यावर्त कीर्तन विचार मंच, आप उन्हीं के सदस्य हैं, मैं नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, आप तरफ से 100 रुपए एक पुष्पमाला आई है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजवाद। आइए दूसरी बात कह रही है, क्या, राम एक पत्नी व्रतधारी, ऐसी ढोलक बजाओ असली नकले भी सामने आ जाए। उधर बच्चा बहुत बढ़िया बजाता है, वो तो बढ़िया, ये लोग बजाने नहीं देते बच्चे को, बहुत बढ़िया उधर बजाता है, इनके चक्कर में बहुएं सेट कर, और वो हमारे ही क्षेत्र का है, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसके बड़े भाई ने हमारे साथ बहुत दिन तक संगत की है, बढ़िया बजाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बढ़िया, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन असली कौन नकली है, वैसे उसका नाम असली है
अनुज, वो भी अपना अनुज, छोटू आपने बना रखा वो अलग की बात है, सही है। लेकिन लेकिन जो पर्स में पड़ा उस पर ध्यान रखना, सुबह भूल ना जाना, उस पर विशेष ध्यान रखें। कहना सुने, राम एक पत्नी प्रतधारी, राम एक ही पत्नी प्रतधारी, लाइन को सुनते रहना माता मैंने, राम की एक ही पत्नी सीता, राम एक पत्नी प्रतधारी, श्याम की कई हजार नारी, सोलह हजार एक सौ आठ रानी पटरानी, उन के दस दस लड़का, राम एक पत्नी प्रतधारी, श्याम की कई हजार नारी, लेकिन विशेषता अरे सिया से बड़े जो धनुधारी, सिया से बड़े जो धनधारी, छोटे राधा से बनवारी, बात है से गाना चाहिए, बड़े सीता से धनुधारी, छोटे राधा से बनवारी, ये मुरारी एक घर से भगाते प्रभु राम, एक घर से भगाते, एक भगा के लाते, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बाद, रुकमणी को ले आ, एक घर से भगाते, एक भगा के लाते, करते हाँ करते मिले मन मानिया, एक लाइन और सुन ले, राम यदि मिलते धनुधारी तो बंसी धर बंसी धारी, एक मर्यादित एक स्वतंत्र, एक मर्यादा रहते हैं, एक स्वतंत्र है, चाहे जाएगी चुनरी झटक ले, चाहे जाएगी मटकी तोड़ दे, एक है दोनों भगवान, एक मर्यादित एक स्वतंत्र, एक निर्छल एक छलधारी, अरे राम है शीतल तो श्याम है चंचल, ऐसी ग्रंथों की बानिया, लेकिन आखिरी लाइन सुने, रघुवर वचन निभाते हैं, जिससे जिससे वचन निभाया वो किया प्रभु राम, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परु वचन न जाई, रघुवर वचन निभाते हैं, कन्हैया तोड़ते जाते हैं, शिवानंद भैया रघुवर वचन निभाते हैं, के रघुवर वचन निभाते हैं, कन्हैया तोड़ते जाते हैं, श्याम यदि पांवों को धोते, पानी परात को हाथ झोने, नैनन के जल से पग धोए, क्या बात है सुदामा, श्याम यदि पांवों को धोते, राम खुद पग धुलवाते हैं जब आते, अरे वाह बेटा वाह, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, केवट राम रजाया सुपावा, पानी कठोता पर ले आवा, श्याम यदि पाँव को धो दे, श्याम यदि पाँव को धो दे, राम खुद पग धुलवाते हैं जब आते हैं। वाह, अभी एक बात आप कह रही थी याद आ गई, तो बोला आपने कहा प्रभु राम गए थे वहां, हनुमान जी तब नहीं आए
और अपने नाम की सौगंध दे दी तब कैसे आ गए? अरे राम साक्षात है, यही तो काम है। राम से बड़ा है उनका नाम, राम कुछ नहीं है। कई प्रमाण, पुल बन रहा है, राम राम लिखा जा रहा है, पत्थर तैर रहे हैं। प्रभु राम ने सोचा मैं भी एक पत्थर डाल दूं, स्वयं प्रभु राम डाल रहे, पत्थर डूब गया। यहां राम की महिमा नहीं, राम के नाम की महिमा। एक राजा जिसको बचाने के लिए हनुमान जी बार बार करेंगे राम राम कहो, चित्रकेतु, और राम इधर से बाण चला रहे हैं, वो राम राम कह रहा, राम का बाण, राम का नाम सुन के राम के पास आ गया। ये ऐसे समझाना चाहिएगा, यार राम की महिमा नहीं, राम के नाम की महिमा है। सौगंध दी गई हनुमान को, तुम्हें राम की सौगंध है, तुम्हें आना पड़ेगा। हनुमान जी आए, आए तुलसीदास जी को छुड़ाया, वो रही पुरानी दिल्ली, अकबर जाके बसे नई दिल्ली। बहन जी वो पांच वाला ध्यान रखना, सुनना। एक गेंद डुबाते एक पत्थर तैराते, एक गेंद डुबाते एक पत्थर तैराते, ऐसी शरारती की है ये बानिया। राम की सुनाओ, घनश्याम की सुनाओ, बड़े काम की सुनाओ तुमको, बड़ी पावन कहानिया, बड़ी पावन हो। आप लोगों ने सुना है तीस हुई गे और द्वारिका धीस हुई गे। ओ पूजियो, जवाब तो बहुत अच्छा। और जगदीश हुई गे, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। क्या बताऊँ मैं। आइए, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सी तर्ज आई और गाया। अरे कुर्ता है नीला, शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां।
मैं शर्माऊं, किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। ये तो तर्ज हो गई। एक काम, हमारे भैया जो उधर नाल पर संगत कर रहे हैं, उन्होंने एक काम बहुत अच्छा लगाया। सचदेवा ये किसकी नकल है? ये नकल है विजय राजा की, जो आज आया नहीं मेरे साथ। नकल है पुष्पा की, जिसको लोग प्यार से पुष्पा कहते हैं। वो राक्षस मर गया जो इंसानों को मारता था। सुनी दत्ता जी, आप लोगों से निवेदन बस इतना कर रही हूँ, इन्होंने राम श्याम में विरोधाभास दिखाया है। बस गीत की विशेषता यही है कि एक गेंद डुबा रहे हैं तो एक पत्थर तैरा रहे हैं, यही है ना। एक के एक नारी तो एक के कई हजार नारियां हैं। इन्होंने विरोधाभास दिखाया है और मैं दोनों में क्षमता दिखा रही हूँ, बराबरी। क्या बात, बस जवाब इससे अच्छा नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात, सही बात। ये विरोधाभास की बात कर रहे हैं, मैं समता दिखा रही हूँ। और समता क्या है दोनों में? सुनिए आदित्य भैया, सुनिएगा, इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। सुनिए सुनिए के धन उधारी की बताऊं, गिरधारी की बताऊं, जवाब जब चूर से चूर बैठ जाए तब रोशनी अनजान। सुनो मैं फेंकती नहीं हूँ, सुन लेना। धन उधारी की बताऊं, गिरधारी की बताऊं, उस मुरारी की बताऊं, सुन लो। अनुपम न्यारी कहानियां, पड़ी ही न्यारी कहानियां, दोनों की बताऊंगी। आपने विरोधाभास बताया, मैं समता दिखाने जा रही हूँ दोनों की, राम और श्याम की। सुनिए। एक सीता के स्वामी, एक श्याम के स्वामी, राधा का एक नाम श्याम भी, श्याम। क्या बात, श्याम भी कहा गया है, सुनना। एक सीता के स्वामी, एक श्याम के स्वामी, कहते ग्रंथ ऐसी बानिया, तो धन उधारी की बताऊं, गिरधारी की बताऊं, उस मुरारी की सुनाऊं, सुन लो। बड़ी ही न्यारी कहानियां, 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 बड़ी ही न्यारी कहानियां। और सुनिएगा, आप लोगों से निवेदन मैं कर रही हूँ, उधर याद रखिएगा उन्होंने क्या कहा था, मैं क्या कहने जा रही हूँ भैया जी। सुनिए। क्या अब समता कैसे मिली? आदित्य भैया, राम अहिल्या को तारे, राम ने अहिल्या को तार दिया, राम अहिल्या को तारे, कृष्ण पूतना को है तारे। कन्हैया ने पूतना का स्तनपान किया, और अगर ऐसा ना करते तो पूतना कभी तरती नहीं। क्या बात, तो समता हो गई कि नहीं हो गई? एक तरफ राम अहिल्या को तार रहे हैं, वो भी नारी है, और एक तरफ पूतना तर रही है, वो भी नारी है। तो मेरी बात सुनिएगा, राम अहिल्या को तारे, कृष्ण पूतना को तारे, और एक ग्रंथ में ऐसा मिला, क्या धनुष दोनों ने ही तोड़ा। क्या बात, धनुष दोनों ने ही तोड़ा, संत जन ऐसा उचारे हैं न्यारे। राम ने अगर धनुष तोड़ा है तो कन्हैया ने भी धनुष तोड़ा है। क्या बात, देखिए आदित्य भैया मेरे सर हिला रहे हैं, अब कहाँ तोड़ा है ये इनको ना बताइए, बस ये बौखलाया जाएंगे।
ये भाव खाने लगे। बस इनको खुद नहीं मालूम है, राम ने धनुष तोड़ा, कन्हैया ने भी धनुष तोड़ा, और मैं तब तक नहीं बताऊंगी जब तक ये देख नहीं लेती कि इनको मालूम है कि नहीं। अरे इनका कुछ नहीं मालूम, खाली फ्याकत बस, झिझक ले जाओ बस। तो कहना कि दोनों दुख हरता है, दोनों सुख हरता है, दोनों ही दुख हरता है। ऐसा थोड़ी ना कि कन्हैया ने हमेशा छल ही किया है। अरे कन्हैया ने छल करके भी दुख हर लिया दादाजी। तो दोनों दुख हरता है, दोनों सुख हरता है, अनुपम रवानियां मिलती ऐसी कहानियां, बड़ी ही न्यारी कहानियां। मिनट का समय अब दादाजी और सुनिएगा, समता दिखा रही हूँ आदरणीय दादाजी। दादाजी थोड़ी सी सुन ले हमारी भी, अब इसमें भी समता देखिए। और कैसे मिला? कैसे? आपने कहा राम की एक नारी सीत और श्याम की कई हजार, तो देखिए समता क्या मिल रही है। सुनिए, राम जो रावण को मारे, अब मैं सबसे बड़ी बात, बड़ी संता दिखा रही हूँ। कैसे? राम जो रावण को मारे, कंस को कान्हा संधारे। राम रावण एक राशि और कान्हा और कंस एक राशि, तो समता दोनों में हो गई कि नहीं हो गई? क्या बात, कहीं से घट नहीं रहा है, देखिए दोनों में कहीं से इधर उधर नहीं होगा। तो कहना पड़ा कि राम जो रावण को मारे, अरे कंस को कान्हा संघारे। और दोनों की सबसे बड़ी विशेष बात है, राम और श्याम की सेवा में, लिख लो, राम और श्याम की सेवा में मिले बजरंगी मतवारे दुलार। चाहे वो राम हो चाहे श्याम हो, दोनों की सेवा बजरंग कर रहे हैं। क्या बात, तो कहना पड़ा। अरे कहा गया है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। ये ले बेटे, सही जवाब पर लो भाई साहब। हमारे दादा सूरजपाल जी छबरा जगतपुर से आप आए हैं, आप की ओर से इस समता पर 101 रुपए का आशीर्वाद, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जहाँ सुनने वाले लोग होते हैं वहाँ फुहड़बाजी तो होती है, हंसी मजाक तो होता है, मगर जहाँ सुनते हैं लोग वहाँ समझते हैं कि क्या हो रहा है। वहाँ बुलेट उलट काम नहीं करेगा। अब तुम अपना टूटा हुआ स्कूटर लेके कानपुर की गली में घूमो। नहीं, ये सिलेंसर की जगह पे काम करेंगे। किसी दिन नकलो आओ, अच्छा सा हम डालें पेट्रोल। तो दद्दा जी कह रही हो, अरे दोनों अविनाशी है, दोनों गुण राशि है, सुनिएगा, दोनों अविनाशी, दोनों गुण राशि, अवध मथुरा राजधानिया, अवध मथुरा राजधानिया। धनुधारी की बताऊं, गिरधारी की बताऊं, उस मुरारी की बताऊं, सुन लो अनुपम मिलती कहानियां, बड़ी ही प्यारी कहानियां। और इसी जवाब की पंक्ति पर आदरणीय सम्मानी भैया हमारे बीरेंद्र सिंह जी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, माता रानी सदा आपके अंग संग रहे। आइए, मगर